कक्षा छः के विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक जो बढ़ाया गया है उसका रिवीजन करते रहिए, फिर बना लीजिए। अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो आपका नुकसान होगा, इसलिए कि समय बहुत कम है। 3 महीने जा चुके हैं, अब आपको लापरवाही नहीं करने हैं। वीडियो प्रतिदिन देखिए और सवालों को समझिए और लगाइए। पिछली वीडियो में अभ्यास 1.1 के 4 सवाल हो चुके थे। सवाल नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। अभ्यास 1.1, सवाल नंबर 5, संख्याओं का प्रसारित रूप। पहली सवाल है, फोर जीरो एट वन, उसमें देखेंगे 4 कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 4000 पूरा लिख देंगे प्लस, इसके बाद क्या है, 81। 81 का मतलब होता है 8 कहाँ पर, दहाई पर, तो 8 दहाई माने 80 और प्लस 1, ये इसका हो गया प्रसारित रूप। सेकंड वाला, पाँच हजार 689, तो 5000 हम पूरा लिख देंगे प्लस 600 लिखेंगे पूरा प्लस 80 पूरा लिखेंगे और प्लस 9, ये हो गया इसका प्रसारित रूप। तीसरा, 41, 70, 417010, तो 400000 को पूरा लिखिए। 100000 में 5 0, उसके बाद 17000 है, 17000 में 10000 अलग लिखिए, धन 7000, सैकड़ा पर कुछ नहीं है, उसके बाद धन 10। अब बाकी के 3 सवाल आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में निम्नलिखित के समतुल्य संख्याएं लिखिए। पहला 3 × 1000 लिखा है, धन 7 × 100 लिखा है, 10। 7 × 10 धन 8 × 1 के समतुल्य संख्या। ये बराबर हो गया 3000
प्लस 70 प्लस 8। अब ये बराबर हो गया 3070 धन 8 78। 3078 इसके समतुल्य संख्या बन गई। इसी प्रकार दूसरा, गुणे 10,000 धन 2 × 1,000 धन 8 × 100 धन 7 × 10 धन 4 × 1। इसके समतुल्य संख्या लिखनी है तो 6 × 10,000 ये हो गया 60,000 प्लस 2 × 1,000 2,000 प्लस 8 × 100 800 7 × 10 70 4 × 1 4। ये है 60,000, इसमें 2,000 और जुड़ गया 62,000। 800 70 धन 4 74 आगे चलते हैं। बहुत ईजी सवाल है। अब अंतिम वाला कर देते हैं, सवाल नंबर 4। एक छोड़ दिए हैं, कर लीजिएगा। तीन गुणे 10,00,000 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 × 1,00,000 1, 2, 3, 4, 5 धन 5 × 10,000 4 × 1,000 6 × 10 8 × 1 योग्य 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 2 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 50,000 प्लस 4,000 प्लस 60 प्लस 8 32,00,000 32,00,000 ये 50,000 और 4,000 54,000 उसके बाद 68
ये इसका हो गया समतुल्य संख्याएं 32,54,068। सवाल नंबर 7, इसमें एक सवाल छूट गई है, कर लीजिएगा। सवाल नंबर 7, इसमें स्थानीय मान निकालना है, बहुत आसान। प्रश्न नंबर 7, रेखांकित अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात करो। पहला है 8 के नीचे अंडरलाइन है, 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 8 का स्थानीय मान, आठ को हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, किस जगह पे? सैकड़ा पे। तो 8 को गुणा कर देंगे 100 से, तो 8 का स्थानीय मान हो गया 800। दूसरा 53,098, इसमें आपको 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9 किस पर है? दहाई पर। 9 किस जगह पे है? दहाई पर। तो 9 × 10, तो 9 का स्थानीय मान 90। तीसरा 58, 72, 19, इसमें 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 × 5 कहाँ पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 5 × 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 × 10,000। बराबर 1, 2, 3, 4, 5। 5 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 किस जगह पे है? लाख पे। तो 5 × 1,00,000 बराबर 5,00,000। बाकी 3 सवाल बची हैं, इसको और 8वां, 9वां, 10वां इसको कल कर देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, शेष कल।